हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और हमारा जो ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे काफ़ी पूछते हैं। बेसिकली एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं आपको आपके काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल में तो आपने पढ़ ही लिया था। और ये है कि बी फार्मा के बाद क्या करना है, तो मेरी लाइन है टेक डिसीजन एंड वर्क ऑन इट, मतलब डिसीजन लेना है और उसके ऊपर फिर जी जान लगा देनी है, मेहनत करनी है और अपना करियर बनाना है। तो आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, जिससे आप जो वो क्वेश्चन जो आप मुझसे काफ़ी बार पूछते हैं कि सर बी फार्म के बाद आगे क्या करें, बी फार्मा के बाद क्या करें, किस लाइन में जाएं, वहां पर हमारी ग्रोथ क्या है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको सिस्टमेटिक वे में गाइड किया है कि आप बी फार्मा के बाद क्या कर सकते हैं, आप कैसे इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर मैंने आपको सारी लाइनों के बारे में बताया है कि आप कहाँ कहाँ फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं और सभी को मैंने क्लियर किया है। बट इन सभी वीडियोस के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बी फार्मा पास आउट कर लिया है, डी फार्मा कर लिया है और अब आगे मैं क्या करूँ, क्या मैं इंडस्ट्री में जाऊँ, क्या मैं मार्केटिंग में जाऊँ, क्या मैं MBA करूँ, क्या मैं एम फार्मा करूँ, क्या करूँ, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पर मेरा हमेशा जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सजेशन होता है कि ये क्वेश्चन जो है ना, बेसिकली ये आपको आपके अपने आप से पूछना है। कहने का मतलब ये है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सैलरी कम ज़्यादा है उसके बारे में हमको पहले सोचना नहीं है, पहले हमको ये सोचना है कि हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मैं करना तो ये चाहता हूँ बट इसमें सैलरी कम तो कैसे करूँ, समझ रहे मेरी बात को। मतलब अधिकतर हमारा दिमाग दो तरफ चलता है कि काम भी करना है बट सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट जिसमें सैलरी ज़्यादा है वो काम करने की इच्छा नहीं है और जो काम करने की इच्छा है उसमें हमको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, यही चीज़ होती है हमेशा। तो देखिए बात हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले ये चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद सैलरी डिसाइड कीजिए। कि सैलरी कम ज़्यादा है उससे मतलब नहीं है, मुझको क्या पसंद है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई नौकरी करेंगे, वर्क करेंगे ना, तो जब तक आपको आपकी नौकरी करने में मन नहीं लगेगा, आपको पसंद का काम नहीं मिलेगा, तब तक आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वर्क एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको रोज़ सुबह उठना है और अपना काम पे जाना है क्योंकि उससे आपको पैसा मिलेगा और पैसा मिलने से ही आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। देखिए हमारी ज़िंदगी में हम डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं, आपको किसी शादी में जाना है, जाना नहीं जाना कोई बात नहीं, आपको उस कॉलेज जाना है नहीं जाना है आपके ऊपर है, मतलब जो भी काम करना है वो आपके ऊपर है। बट जो हमारी नौकरी होती है, जो हमारा वर्क होता है ना, उसके ऊपर तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं जाना है, वहाँ तो आपको जाना ही जाना है। तो आप अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपके मनपसंद का नहीं है और आपको बिल्कुल भी काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है आप मन मार के उस काम को करेंगे क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पर सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है और पैसे से ही लाइफ जी जाती है तो जाना तो पड़ेगा। बट जब आप बेमन से वो काम करेंगे तो आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सीधा सा फंडा है कि पहले तो हमको जब भी कोई भी फील्ड चूज करनी है तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे ये काम पसंद है कि नहीं है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले डिसीजन लीजिए। डिसीजन का मतलब ये होता है कि करना क्या है, ठीक है, कम या ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा सोचिए मत कि मुझे कम सैलरी मिलेगी, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। सबसे पहले टेक डिसीजन एंड वर्क ऑन इट, मतलब हम सबसे पहले डिसीजन लेते हैं। देखिए जब भी हम अपनी नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना। यहाँ पर लड़के जो कन्फ्यूज है ना, वो इसीलिए ही है क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। वो सोचते हैं मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, 10 लोगों से राय लेते हैं, जबकि आप अपनी लाइन के लोगों से राय ली। पहली बात तो ये कि आपको अपनी फील्ड के लोगों से, मतलब जो आपकी लाइन है उन्हीं लोगों से आपको राय लेनी है, ठीक है। राय सबकी ले लीजिए बट करें अपने मन की, किसी की बातों में नहीं आना है। मन की का मतलब ये है कि जो हमको पसंद है हम वो करेंगे, ठीक हो गई बात। देखिए डिसीजन, खासकर फिर से मैं अपनी पॉइंट पे आता हूँ कि डिसीजन के ऊपर बात हो रही थी कि जब हम किसी जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है या इस फील्ड में जाना है, सारी फील्ड के अंदर पैसा है, जरूरत है हमारे डेडिकेशन का, हमारी मेहनत का। आपने अगर जीवन में एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे बी फार्मा या कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं उसके बाद मुझे ये करना है, तो बस फिर उसमें जी जान से जुट जाइए, आपको उसमें भी पैसा मिलेगा और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, डिसीजन लीजिए और डिसीजन इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है, उस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, उस लाइन में आप जॉब करना स्टार्ट कीजिए
और अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से आप अपने आप उस लाइन में आगे बढ़ जाएंगे और बहुत तरक्की करेंगे। बट अगर आप डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं कि उसने मुझे ये बोला, सर वो बात ये बोल रहे थे, उसमें तो बहुत सारा पैसा है, उधर पैसा नहीं है, और इस बेसिस पे आप एसी लाइन पे चले जाते हैं या इसी फील्ड चूज कर लेते हैं या वहां पर अपना करियर बनाते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप वहां पर ना डेडिकेशन से मेहनत कर पाएंगे और आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि डिसीजन आपके ऊपर है। डिसीजन एक बार अगर आपने ले लिया और उस लाइन में चले गए जो आपको पसंद है, तो आप अपने आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे, क्योंकि आप रोज जब सुबह उठेंगे तो खुश होकर उस काम को करने के लिए जाएंगे। और जब हम अपने खुश होके या मन लगा के किसी फील्ड को चूज करते हैं और वहां पर काम करते हैं तो कुछ नया ही कर देते हैं और तरक्की तो करना निश्चित है ही। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है डिसाइड करना, और डिसीजन इस बेसिस पे होगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस काम में मजा आता है, और वो काम जब आप करेंगे तो तरक्की जरूर होने वाली है। तो मेरी पंच लाइन यही है, डिसाइड कीजिए, डिसीजन लीजिए और वर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो लाइफ में कोई भी जो डिसीजन होता है ना, वो गलत या सही, ये जो वर्ड है ना, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि डिसीजन लेने के बाद आपने क्या किया। अगर आपने डिसीजन लेने के बाद मेहनत कर ली और उस लाइन में आप बहुत आगे बढ़ गए, तो वो डिसीजन हमेशा राइट हो जाएगा। बट डिसीजन लेने के बाद आपने मेहनत नहीं करी, आप कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाए और उल्टा पीछे चले गए, तो वो डिसीजन हमेशा गलत हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिसीजन कभी भी सही या गलत नहीं होता है। डिसीजन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने डिसीजन लेने के बाद कितनी मेहनत करी, कितना डेडिकेशन दिखाया। ठीक हो गई बात? तो डिसीजन लेना जरूरी है और उसके बाद मेहनत करना जरूरी है। तो अपने करियर के लिए आपको किसी से पूछना जरूरी ही तो है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ना कीजिए, बट हाँ, बात सबकी सुनो, राय सबकी लो, बट आखिरी डिसीजन आपका होगा कि मुझे क्या पसंद है। मतलब करना अपने मन की ही है, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा हो कि मुझे यार बी फार्मा के बाद फार्मा लाइन में नहीं जाना है, मुझे तो कुछ और पसंद है, मुझे तो लाइन ही चेंज कर लेनी है, मुझे तो गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एंकरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं आप उसी लाइन में जाइए, कोई बात नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ की डिग्री ले ली है, आपने बी फार्मा कर लिया है, एम फार्मा कर लिया है, आपने एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, तो जरूर नहीं है कि आप जॉब में जाएं। आपको मजा किसी दूसरे काम में आ रहा है तो आप उसको चूज करके अपना करियर बनाइए, क्योंकि आपका डेडिकेशन उसी फील्ड में आने वाला है। तो जरूर सोचिए और डिसीजन लीजिए, और डिसीजन के बाद मेहनत कीजिए। अगर मेहनत में कमी नहीं लानी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिसीजन लीजिए अपने मन का और फिर मेहनत में जुट जाइए, तो आप जरूर तरक्की करें। तो यहीं पर मैं अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। इस पूरे वीडियो का मकसद बस यही था कि जो भी स्टूडेंट जो अपने करियर से रिलेटेड काफी कंफ्यूज हैं, उनको मैं एक प्रॉपर राय जो मेरी होनी चाहिए, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे वाया मेल या वाया इंस्टाग्राम भी कि सर आप हमें बताइए, तो मैंने अपने व्यूज आपको क्लियर कर दिए हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप मेरी राय मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है जो मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, उन तक भी मेरी ये बात पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं, तो आप मुझे अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।